हाय गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है सो वी हैव स्टार्टेड अ न्यू सीरीज इन विच वी वी हैव टू डील विद द पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसमें मैंने जो है जनरल डिटेल बताया है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में और इसके बाद जो है हम क्या करेंगे पर्टिकुलर जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो आठ पार्ट ऑफ स्पीच हैं हर एक पे अलग अलग एक वीडियो बनाएंगे डिटेल में जिनमें उनमें पढ़ेंगे टाइप्स पढ़ेंगे जूस पढ़ेंगे और किस तरह जो है उसमें लोग गलतियां करते हैं मिस्टेक्स होती हैं हमसे तो वो जो है हम बताएंगे ठीक है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कैंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सो लेट्स स्टार्ट द सेशन देखें जब भी आपने इंग्लिश सीखनी होती है तो सबसे पहले हमारे जहन में जो नाम आता है वो आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच ठीक है पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ द मेथड टू राइट द इंग्लिश ठीक है किस तरह कहते हैं ना कि इस रेसिपी ऑफ इंग्लिश ठीक है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इस तरह होता है ठीक है तो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो आठ हैं हम इंडिविजुअली एक एक पढ़ेंगे अभी जो है वो हम जब शॉर्ट कट करेंगे उसके बाद जो है डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा नाउन आठ पार्ट हैं नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, एडवर्ब प्रपोजिशन इंटरजेक्शन एंड कंजक्शन ठीक है तो सबसे पहले आते हैं नाउन पे नाउन किसे कहते हैं किसी भी चीज़ का नाम जो है उसे हम नाउन कहते हैं सिंपल डेफिनेशन किसी भी चीज़ का नाम द नेम ऑफ एनी थिंग मतलब कि किसी भी चीज़ का नाम उसे हम कहते हैं नाउन सिंपल इज दैट ठीक है कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जस्ट किसी चीज़ का भी नाम हो उसे हम कहेंगे नाउन ठीक है जैसे कि मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं आपके लिए किसी का नाम हो किसी प्लेस का नाम हो किसी शहर का नाम हो या किसी आपके पास की भी एनिमल का नाम हो ठीक है तो इस तरह है. अच्छा यहाँ मैंने सेंटेंस कुछ लिखे हुए हैं जैसे सना इज़ अ गुड गर्ल तो सना जो है यहाँ पर क्या है आपका नाम है और वो क्या होगा नाउन होगा ठीक है या गर्ल जो है वो भी नाउन है ठीक है साइम नाउन नाउन कार भी जो है नाउन है है ठीक आपके पास तो इसे मतलब किसी भी चीज का जो नाम होगा ना उसे हम नाउन कहेंगे अब आते हैं प्रोनाउन पे प्रोनाउन क्या है देखिए आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं ठीक है सेंटेंस में आपके पास एक नाउ है फॉर एग्जांपल आपको अगर कहा जाता है कि आप जो बाइडन पे एक स्पीच लिखें एक पैराग्राफ लिखें या एक ऐसे लिखें तो यू डोंट नीड टू रिपीट हिज नेम अगेन एंड अगेन इन यूर पैराग्राफ आर एस ए फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे जो बाइडन इज़ फोर्टी सेवेंथ प्रेजिडेंट ऑफ यू एस ए बाइडन इज डूइंग ग्रेट जॉब इन द पॉलिटिक्स मीन बार बार नाम रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है आपको मतलब कि एक बार आपने बता दिया तो आप आगे उसको ही करके यूज कर सकते हैं कि ही इज़ गुड इन पॉलिटिक्स मतलब इस तरह मतलब कि जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो उसकी रिप्लेसमेंट पे इस्तेमाल हो उसे हम कहेंगे प्रोनाउन ठीक है अच्छा कौन से वर्ड है? जैसे आए जैसे मैं खुद पे एक चीज़ बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ रशीद एंड आई एम डूइंग ए ग्रेट जॉब एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर यू रशीद इज गुड इन इंग्लिश नो आई डोंट नीड टू यूज अगेन एंड अगेन माई नेम आई कैन रिप्लेस माई नेम बाई यूजिंग द प्रोनाउन सिंपल क्या करना है नाउन को रिप्लेस करेंगे तो ये वर्ड्स यूज होते हैं आई यू वी शी ही इट दे दो हर हेम लाइक दैट ठीक है ये होता है प्रोनाउन तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई नाउन की इस नेम नेम ऑफ एनी थिंग प्रोनाउन क्या है वो नाम बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको प्रोनाउन में ठीक है उस पर रिप्लेसमेंट हम लिख सकते हैं ठीक है जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं कि फॉर एग्जांपल हम एक ऐसे लिख रहे हैं हैदराबाद पे ठीक है हैदराबाद इज अ गुड सिटी हैदराबाद इज फुल ऑफ पार्क्स हैदराबाद मींस यू डोंट नीड टू रिपीट द नेम हैदराबाद अगेन एंड अगेन यू कैन यूज इट एज इट ठीक है आप यूज कर सकते हैं ठीक है इट इस्तेमाल कर सकते हैं उसको रिप्लेस कर सकते हैं तो एक अच्छा भी लगता है जो आपका रीडर होगा उसको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा एंड फील्स नाइस के किस तरह जो है वो चीज़ आपने लिखी हुई है ठीक है तो प्रोनाउन ऐसे यूज होता है चलते हैं नेक्स्ट पे वर्ब एनी एक्शन क्या कर रहा है ठीक है वर्ब जो है एक्शन क्या हो रहा है ठीक है क्या चल रहा है आपके पास ठीक है तो वो क्या होता है वर्ब होता है मतलब कि ए, वो वर्ड जो डिस्क्राइब करे एक्शन का ठीक है कि क्या हो रहा है क्या कर रहे हैं ठीक है मतलब जो करना होता है ना वो जो एक्शन है उसे हम कहेंगे वर्ब ठीक है जैसे कि खेलना हार्वेस्ट जैसे कि स्लीप ट्रीट ईट आर वर्ड्स यूज एज एन एक्शन क्या हो रहा है ठीक है तो जैसे दे, दे देखे शी विल स्लीप नाउ तो स्लीप क्या है ये हमारे पास ये हमारे पास वर्ब है ही ड्रिंक्स मिल्क ड्रिंक्स क्या, क्या है हमारे पास ड्रिंक हम क्या है हमारे पास यहाँ पर वर्ब है मतलब क्या हो रहा है एक्शन क्या है कौन सी स्टेट है दैट इज़ कॉल्ड वर्ब आ गया समझ में अब चलते हैं एडजेक्टिव की तरफ एडजेक्टिव में क्या होता है आपके पास देखें एडजेक्टिव जो है वो क्या करता है आपके पास जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो ठीक है उसकी क्वालिटी बताता है आपके पास अच्छा है बुरा है किस तरह है गंदा है फिल्थी है नेस्टी है ठीक है डर्टी है मतलब कि क्या हो रहा है कि डिस्क्राइब कर रहा है आपके पास ऑब्जेक्ट को देखिए किस तरह यूज टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पर्सन ठीक है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ही हैज़ अ गुड बेड बेड क्या है आपके पास नाउन है लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है गुड हमेशा पहले यूज होता है गुड एडजेक्टिव यूज होता है ठीक है तो देखिए उसको क्या कह रहा है अच्छा बैट है मतलब ये जो पहले वर्ड यूज होते हैं जो क्वालिटी डिफाइन करता है क्वालिटी जो डिफाइन करता है आपके पास नाउन की ठीक है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ठीक है अब आते हैं एडवर्ब की तरफ देखें हमने वर्ब पढ़ा अब एडवर्ब का मतलब होता है वर्ब में आपने कुछ एड कर दिया यूज टू मोडिफाई वर्ब एंड एडजेक्टिव ठीक है जैसे कि यार ही डन नाइसली मतलब कि डन मतलब काम किया उसने वो वर्ब हो गया नाइसली में अच्छे तरीके से किया मतलब वर्ब को हम क्या कर रहे हैं उसको डिटेल में उसको बता रहे हैं मॉडिफाई कर रहे हैं जैसे कि मैंने पर कुछ एग्जांपल्स लिखे शी रोड नाइसली तो नाइसली क्या हो गया आपके पास एड वर्ब हो गया दे रोड बैडली गंदा लिखा है उसने गंदे लिखते हैं वो ठीक है तो मतलब कि बैडली जो है वो क्या हो गया आपके पास एडवर्ब हो गया मतलब कि वो वर्ग को जो है वो मोडिफाई करके बता रहा है आपके पास या उसको डिटेल करके बता रहा है कैसा काम किया अच्छा काम किया बुरा काम किया मैट दैट वर्ड्स ठीक है जैसे कि उसने गंदे तरीके से किया बैडली दे वर्क पैड इस तरह ठीक है।, है अब चलते हैं हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक पे हम वीडियो डिटेल से बनाएंगे नाउन प्रोनाउन पे हर एक पे हर पार्ट ऑफ स्पीच पर डिटेल में वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे कि, कि किस तरह जो है वो यूज़ होता है कि कौन कौन इसके से उसके टाइप्स हैं और कौन सी गलतियाँ हम जो है करते हैं इनमें ठीक है अब चलते हैं प्रीपोजिशन की तरफ प्रीपोजिशन देखिए वर्ड के अंदर क्या है प्रीपोजिशन मतलब किसी पोजिशन से पहले अ वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज बिफोर नाउंस नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले जो वर्ड्स यूज होते हैं उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन किस तरह देखें अप अप ट्री क्या है देखें ऑब्जेक्ट से पहले ये ट्री ट्री है आपका उससे पहले क्या हो रहा है अप ठीक है तो ये हो तो होता है प्रीपोजिशन जो क्या होता है वो आपके नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है हमेशा पहले यूज होता है ठीक है अब चलते हैं इंटरजेक्शन की तरफ देखें वर्ड्स डेट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो आपकी फीलिंग्स शो करे जैसे कि कोई खुशी की खबरी हो खुशी की खबर होती है जैसे कहते हम कहते हैं हुररा इस तरह या वाओ मतलब जो एक्सप्रेशन आपको बताए जो आपकी इमोशंस बताए जो आपकी फीलिंग्स बताए जो कहते हैं ना एक वर्ड एक जो आपके दिल से निकल जाए ठीक है जैसे उ मतलब कि कोई रिएक्शन हम देते हैं स्टेयर्स यारो यार नीचे गिर गई ओ यार आपने क्या किया मतलब इस टाइप के वर्ड्स दीज आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स लिखा ओ वाओ आउच वेल लाइक दैट आ या फिर ऐसे वर्ड्स या जो है हुरा ऐसा टाइप ऐसे टाइप जो वर्ड्स है वैसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन अब कंजक्शन क्या है कंजक्शन जो है वो क्या करता है आपके पास फॉर एग्जाम्पल दो सेंटेंस हैं आपके पास उन दो सेंटेंस को मिलाने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे हम कहते हैं कंजक्शन ठीक है जिसमें एंड यूज होता है ठीक है बट यूज होता है इफ बिकॉज अल दो ये जो वर्ड्स यूज होते हैं इसे हम कहते हैं कंजक्शन जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ यहाँ पर आई लव टू स्टडी एक तो एक ये सेंटेंस हो गया आगे क्या है दूसरा सेंटेंस है आपके पास दूसरी क्लाज आपके पास उसको मिलाने के लिए दूसरे क्लॉज को मिलाने के लिए हमने क्या यूज यहां किया यहाँ पर कंजक्शन यूज किया ओनली बट ओनली ए लिटिल तो बट यहाँ क्या हो गया आपके पास कंज्शन हो गया ठीक है तो ये थे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमने एक ब्रीफली इसको देख लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखना चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर करें इससे हमें मोटिवेशन मिलती है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सी यू टेक केयर